वहीं जेएमएम विधायक सुदिव्य सोनू ने भी 27% आरक्षण की मांग को लेकर विधानसभा गेट पर धरना प्रदर्शन किया। पूर्ववर्ती सरकार की घोषणा का हवाला देकर सुदिव्य सोनू ने कहा कि बीजेपी सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, क्योंकि पूर्व की बीजेपी सरकार ने ही इस मामले में अस्पष्ट राय दिया था और अब वही बीजेपी सदन के बाहर और भीतर धरना प्रदर्शन कर रही है। पिछड़ों के 27% आरक्षण की मांग लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरा यह स्पष्ट मानना है कि झारखंड राज्य में आरक्षण की सीमा आज 60% है, 10% ईडब्ल्यूएस को लेकर, और राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का अधिकार नहीं है। तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को याद भी दिलाना चाहता हूँ, उनसे ये मांग कर रहा हूँ कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को निर्देश निर्गत कराएं कि हम पिछड़ों का आरक्षण 27% कर सकें, जो आरक्षण की सीमा बढ़ेगी उसमें संस्तुति केंद्र सरकार दे। और राजधानी रांची में कांग्रेस के दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन को कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने संबोधित किया। बैठक में झारखंड प्रभारी ने कहा कि सरकार और संगठन के बीच समन्वय होना स्थापित होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर वो जल्द सीएम से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस नेताओं ने प्रमंडलीय स्तरीय कार्यकर्ताओं का संवाद सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। कार्यक्रम जो संवाद है उसके माध्यम से वर्तमान जो हमारी कोलिएशन की सरकार है उसके लिए और एक मजबूत सशक्त संगठन के लिए ये कार्य जो शुरू किया है उसके चलते आप देख रहे हैं कि जो वाइब्रेशन है, जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा कार्यकर्ताओं में हमेशा से रही है। आज आपने एकत्रित उनको एक छत के नीचे देखा, इसलिए उसका आपको एहसास हुआ। क्योंकि झारखंड 24 में दोनों होगा, राज्य स्टेट भी होगा और राष्ट्रीय चुनाव भी होंगे, तो तैयारी तो करना होगा। जैसे कवायद करना पड़ता है 26 जनवरी के परेड के लिए पूरे फोर्स को, उसी तरह से। और आप देखिए, हर ब्लॉक के लोग, ब्लॉक की कारकारनी आई है जिससे नॉर्मली मिलने का, लोगों का सुनने का उनको मौका नहीं मिलता है।